हेलो फ्रेंड्स, मेरी ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के सम से। द स्टेटमेंट गिवन हियर इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड साइड ऑफ बेस 35 mm एंड हाइट ऑफ एक्सिस 60 mm इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑफ बेस ऑन एच पी। द बेस ऑफ पिरामिड इज 45 degree इंक्लाइंड टू एच पी एंड the slant edge containing by the corner opposite to the edge on which it rests makes an angle of 60 degree with the VP. Draw its projection. दोस्तों, यहाँ पे हमको एक ट्राइंगुलर पिरामिड दिया है, उसकी जो बेस की लेंथ है दैट इज इक्वल टू 35 एंड एक्सिस है दैट इज इक्वल टू 60। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा होगा एक एक्स वाई लाइन। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पिरामिड किसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट में कि इट इज रेस्टिंग ऑन साइड ऑफ बेस ऑन एच पी, मीन्स मेरी जो ये साइड होगी वो यहाँ पे होगी। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा ट्रायंगुलर पिरामिड। उसके लिए मैंने ये एक 35 का लेंथ लिया, यहाँ से 35 लेके मेरा आर्क यहाँ पे होगा और मेरा एक आर्क यहाँ पे होगा। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा परफेक्ट पिरामिड का बेस। उसके बाद मुझे इसका सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरा कंप्लीट ट्रायंगुलर पिरामिड का मेरा प्लान हो गया। तो उसकी हाइट है मेरी 60 mm, तो यहां से मुझे ये 60 mm ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स समवेयर हियर। अब फ्रेंड, सेकंड स्टेटमेंट में हमको दिया है कि पिरामिड जो है उसका बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री है, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से एक 45 डिग्री की लेंथ होगी। उसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, उसके बाद मुझे ये पॉइंट ट्रांसफर करने पड़ेंगे, यानी कि ये मेरा जो एलिवेशन है, एलिवेशन को मुझे यहाँ पर बी और सी रख के पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा, कीपिंग दिस बेस 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक लाइन मेरी ऐसे आई, तो लेट से ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, यहाँ से ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, और यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे। हाँ, ये कंडीशन पे जो मेरी एक्सिस है मुझे यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी। लेट से यहाँ से एक सेंटीमीटर और उसके ऊपर, तो ये मेरा था एक्सिस यहां पे। अब दोस्तों, ये कंडीशन में मेरा प्लान कैसा बनेगा, तो प्लान के लिए यहां पे हमको सारे प्रोजेक्शन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। लेट से यहां से एडस। अब फ्रेंड्स, यहां पे आप देखोगे तो दिस इज लेट से ए, उसके बाद ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू बी, ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू सी, और ये जो मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये बाउंड्री कभी भी डॉटेड नहीं हो सकती, यानी कि ये आउटर बाउंड्री कभी भी डॉटेड नहीं हो सकती। मैंने ये फुल कर दी। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि ये एक्सिस का ऊपर वाला भाग क्या होगा, फुल होगा। तो एक्सिस का ऊपर वाला भाग में AO, तो AO यहां पे क्या होगा, तो फुल होगा। सेकंड, आपको समझना है ये एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, डॉटेड होगा। तो सबसे पहले आप देखो तो BO, लेकिन BO आउटर बाउंड्री में फुल है, तो आपको ये डॉटेड बनाना नहीं है। CO भी आउटर बाउंड्री में फुल है, तो आपको डॉटेड बनाना नहीं है। अब एक ही एज बाकी है, BC, तो ये जो पर्टिकुलर एज है दैट इज डॉटेड। अब फ्रेंड्स, पहला जो था इंक्लिनेशन दैट इज बेस ऑफ पिरामिड इज 45 degree इंक्लाइन टू एच पी, मतलब दिस इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 45 degree। नाउ सेकंड, द स्लैंट एज कंटेनिंग बाय द कॉर्नर ऑपोजिट टू द एज ऑन विच इट रेस्ट मेक्स एन एंगल 60 degree विद द वर्टिकल प्लेन। हमारी कौन सी एज यहां पे है, बी डैश सी डैश, उसका ऑपोजिट कॉर्नर यानी कि ए डैश,
उसमें से पास सती हुई स्लैंट एज यानी कि एओ, यानी कि ये एओ एज वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस मेक्स 60 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन। अगर फ्रेंड्स इसको हमको 60 डिग्री बनाना है तो यहां से मुझे एक 60 डिग्री का लाइन बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। पूरी सारी एज आप बना दो, यानी कि पूरा जो प्लान था वो प्लान आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, कीपिंग ए ओ 60 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज सी एंड दिस इज बी सी इज डॉटेड। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे 60 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन है, ऐसे हमने उसको ट्रांसफ़र किया। इनडायरेक्टली ये प्लान को मैंने रिड्रॉ किया कीपिंग ए ओ 60 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। अब फ्रेंड्स मेरा फाइनल एलिवेशन कैसा होगा, तो फाइनल एलिवेशन के लिए हमको यहाँ से सारे प्रोजेक्शन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। लेट्स से प्रोजेक्शन सी, तो बी से भी आपका यहाँ पे मिला, दिस इज बी डैश। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा आपका, बी से यहाँ से बी आया दैट इज बी डैश, सी से यहाँ पे सी आया दैट इज इक्वल टू सी डैश, ए से यहाँ पे आपका आया दैट इज इक्वल टू ए डैश, फाइनली ये जो पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज जीरो डैश। अब दोस्तों कौन सी डॉटेड होगी और कौन सी फुल होगी, उसके लिए आपको सबसे पहले आउटर बाउंड्री को फुल बनाना है। आउटर बाउंड्री को फुल बनाना है यानी कि यहाँ से बी सी आपका फुल होगा, उसके बाद एओ फुल होगा, उसके बाद यहाँ पे एओ फुल होगा, उसके बाद यहाँ से लेके बी आपका फुल होगा। ओके मतलब ये आउटर बाउंड्री आपकी कभी भी डॉटेड नहीं हो सकती। अब यहाँ से फ्रेंड्स ये बेस हमारे सामने है, बेस हमारे सामने है यानी कि बेस हमारा फुल होगा, यानी कि ए बी सी ये बेस हमारा कैसा होगा, तो ये कंप्लीट फुल होगा। अब आपको ये समझना है कि एक्सिस की इस तरफ वाला भाग कैसा होगा, तो फुल होगा। लेट्स से बी ओ, बी ओ अगेन फुल, ए ओ, ए ओ इज ऑलरेडी फुल। अब जो डॉटेड होगी क्या होगी, तो एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन यानी कि सी से ओ, तो सी डैश ओ डैश हमारा कैसा होगा दोस्तों, तो डॉटेड होगा। तो सिंपली सी डैश और ओ डैश को आप डॉटेड लाइन बना लो। तो दोस्तों दिस इज अ फाइनल एलिवेशन एंड प्लान ऑफ अ गिवन सॉलिड। द सॉलिड इज ट्राइंगुलर पिरामिड विच वन ऑफ द एज ऑफ बेस इज ऑन एच पी एंड बेस मेक्स 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड स्लैंट एज कंटेनिंग दिस कॉर्नर, मतलब दिस मेक्स 60 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन।